नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और खबर राजस्थान में भी सबसे पहले हम बात करेंगे थप्पड़ कांड पर बचे बवाल की। तो टोंक में तनाव के बाद बूंदी में भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर समरावता गांव में जो बवाल हुआ उससे जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। अब बूंदी से 5 थानों का जाब्ता टोंक बॉर्डर पर तैनात किया गया है। इसमें 2 पुलिस उपाधीक्षक भी शामिल है और बूंदी पुलिस लाइन से 50 जवानों का जाब्ता समरावता गांव भेजा गया है। 2 पुलिस चेक पोस्ट अस्थायी तौर पर वहां पर स्थापित किए गए हैं और 4 एम्बुलेंस साथ ही 4 फायर ब्रिगेड की टीमें भेजी गई हैं। टॉप और नैनवा उपखंड क्षेत्र की सीमावर्ती इलाका है समरावता गांव। अब ऐसे में कारवड़, देई और हिंडोली, इसके अलावा बसोली, नैनवा के थानाधिकारियों ने टोंक बॉर्डर पर चौकसी निगाहें अपनी जो है वो बनाई हुई है और बूंदी कलेक्टर और साथ ही एसपी जो है वो भी लगातार पूरे मामले को लेकर घटनाक्रम पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। चौक के साथ साथ अब बूंदी जिला प्रशासन पुलिस अधिकारी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। बूंदी कलेक्टर और एसपी पूरे मामले को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इधर टोंक साथ ही अजमेर जो आईजी हैं वो भी लगातार पूरे मामले की मॉनिटरिंग यहां पर कर रहे हैं। साथ के साथ टोंक एसपी जो है वो पूरे घटनाक्रम में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। साथ के साथ बताया जा रहा है कि एडीजी जो है वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पूरे घटनाक्रम में नजर बनाए हुए। पहली प्राथमिकता यही है कि शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी भी तरीके से फिर से माहौल ना बिगड़ने पाए। और दूसरी फिर यहां पर बड़ी प्राथमिकता है नरेश मीणा को गिरफ्तार करना। नरेश मीणा का पकड़े जाना सबसे अभी चुनौतीपूर्ण स्थिति पुलिस के लिए है, पूरे पुलिस तंत्र के लिए है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, पुलिस का जाब्ता यहां पर तैनात है और साथ के साथ अन्य जिलों से भी अब जो पुलिस का जाब्ता है अतिरिक्त वो मौके पर पहुंच रहा है। बूंदी से हमारे सहयोगी रामफूल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रामफूल, अब बूंदी पुलिस प्रशासन कलेक्टर समेत तमाम जो अधिकारी है वो भी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कितना जाब्ता वहां से भेजा गया है, वहां पर किस तरीके से मुस्तैदी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देवली उनियारा उपचुनाव के बाद हुए उपद्रव के हालातों को देखते हुए बूंदी कलेक्टर एसपी भी अलर्ट मोड पर आ गए। बूंदी से पुलिस जवानों का जाब्ता सीमावर्ती इलाके समरावता गांव में भेजा गया है। नैनवा बॉर्डर पर जो टोंक बॉर्डर में आता है के पास है, वहां पर 2 अस्थायी तौर पर पुलिस चौकियां स्थापित कर दी है, साथ ही 4 एम्बुलेंस वहां पर रवाना कर दी गई है, 4 फायर ब्रिगेड भी समरावता गांव के लिए रवाना कर दी गई है। संभावना है कि आज बूंदी एसपी राजेंद्र कुमार मीणा भी बॉर्डर पर जाकर वस्तु स्थिति व हालातों की निगरानी बनाए। स्वयं जिला कलेक्टर ने भी तमाम व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाते हुए कहा है कि फिलहाल वहां पर हालात सामान्य है और अतिरिक्त जाब्ता वहां पर भेजा है, एम्बुलेंस भेजी है, फायर ब्रिगेड भेजी है। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अतिरिक्त जाब्ता भेजा गया है रामपुर, क्योंकि जैसा कि आप जानकारी दे रही हैं कि नैनवा उपखंड क्षेत्र जो है सीमावर्ती इलाका है और समरावता जो गांव जहां पर ये पूरा बवाल कल हुआ वो भी बॉर्डर पर ही है, क्या संभावना ये भी है कि नरेश मीणा बूंदी में भी जाकर छुप सकता है? जी बिल्कुल, जानकारी में ऐसा है कि लुगड़ी ओढ़कर नरेश मीणा फरार हुआ है। ऐसा पुलिस तमाम जो उनके करीबी लोग हैं, क्योंकि बूंदी जिले में भी नरेश मीणा की काफी बेहद पकड़ बताई जाती है, पकड़ है क्योंकि ये मीणा बाहुल्य इलाका है, ऐसे में यहाँ पे भी उसके छुपे होने की संभावना से इनकार नहीं किया जाता। ऐसे में एसपी राजेंद्र कुमार मीणा भी तमाम तरह की जो अपनी खुफिया टीमें हैं उनको लगाए हुए हैं कि कहीं भी अगर नरेश मीणा दिखता है तो उसे दबोचने का प्रयास किए। अलग अलग टीमें भी नरेश मीणा के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और स्वयं कलेक्टर एसपी तमाम जो हालात है जो समरावता गांव में उपजे हालात है उन पर निगरानी बनाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है रामपुर, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे क्योंकि हर इस मामले में हर एक जानकारी सबसे पहले जी राजस्थान जो है वो दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कहां पर कैसे पुलिस का मूवमेंट हो रहा है, कहां से कहां तक वो तमाम जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं।
और पूरे घटनाक्रम को लेकर लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर भी हमारे सहयोगी मौजूद थे और उन्होंने आपको एक एक तस्वीर करीब से दिखाई कि कितना ज्यादा नुकसान ग्रामीणों का हुआ है। और ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर ये विवाद जो है वो शुरू कैसे हुआ था और फिर बवाल कैसे बढ़ा और कैसे नरेश मीणा पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया। तो तीन तस्वीरें पूरे घटनाक्रम की आपके लिए है जो कि पूरे घटनाक्रम को आपको बेहतर समझा पाएंगे। पहली तस्वीर जहां से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई, थप्पड़ कांड। नरेश मीणा जो कि आपको सफेद शर्ट में कमीज में आपको यहां पर नजर आ रहा होगा और उसने एक सरकारी अधिकारी जो कि उस वक्त चुनाव की ड्यूटी पर तैनात थे एसडीएम, उन्हें थप्पड़ मारा। और ये देखिए, बिना किसी कारण एसडीएम को थप्पड़ मार दिया गया आवेश में आकर, तैश में आकर। ये राजनेता है, ये राजनेता जो कि गुंडा से कम नहीं है, गुंडे से कम नहीं है इनके जिस तरीके से कारनामे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नरेश मीणा धरना प्रदर्शन पर बैठा, इसके बाद अपने समर्थकों के बाद में फेसबुक लाइव करके उसने लोगों को उकसाया, मौके पर भीड़ जमा की और फिर उसके बाद ये पूरा बवाल हुआ। तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरीके से आगजनी की गई, पथराव किया गया जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नरेश मीणा को उसके समर्थक पुलिस कस्टडी से घेरा बनाकर लेकर फरार हुए। ये तीन तस्वीरें पूरे घटनाक्रम की आपको दिखा रहे हैं और ऐसे में अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कहां से घटनाक्रम शुरू हुआ था और अब कहां जाकर खत्म हुआ है। आप जरा सोचिए, एक राजनेता जो कि चुनाव में खड़ा है और उसके बावजूद उसने एक सरकारी अधिकारी पर ड्यूटी के दौरान थप्पड़ मारा, उसके बाद अपने समर्थकों को उकसाया, आचार संहिता लगी हुई थी, भीड़ के साथ वो धरने पर बैठा और उसके बाद फिर अपने समर्थकों को, तथाकथित समर्थक या गुंडे जो कहे उनके साथ उसने जमकर उपद्रव मचाया, पुलिस पर यहां पर पथराव किया गया, आगजनी की गई। आगजनी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी जो कि खुद ग्राउंड में वहां पर मौजूद थे, गांव में पहुंचे, घरों में आग लगा दी गई। 15 से ज्यादा ऐसे चौपहिया वाहन और 50 से ज्यादा ऐसे दुपहिया वाहन जिनमें तोड़फोड़ की गई और उत्पात मचाया गया। तो ये पूरा घटनाक्रम, और नरेश मीणा भी फरार है जिसे ढूंढने की हर कोशिश पुलिस द्वारा की जा रही है।